सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्तरीय स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की है ताकि गांव के लोगों को निःशुल्क व बेहतर चिकित्सा का लाभ मिल सके। परंतु बहुत अफसोस की बात है कि सिद्धार्थ नगर जनपद के डुमरियागंज ब्लॉक के जंगलीपुर गांव में पिछले 5 महीने से एएनएम की नियुक्ति न होने से बबीता सहित 10,000 लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एएनएम बराबर आती हैं? जी नहीं, एएनएम नहीं आती है। क्यों नहीं आती हैं? एएनएम के मृत्यु हो गई इसलिए नहीं आती हैं। कितने दिनों से यहाँ एएनएम नहीं आती हैं? 6 महीने से। एएनएम के न आने से आपको क्या समस्या हो रही है? एएनएम के न आने से हमें टीका मतलब प्राइवेट लगवाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टीका समय समय पे नहीं लगती हैं, ये सब परेशानियाँ हैं। एक टीका लगवाना होता है तो कहाँ लगवाती हैं आप? भवानीगंज प्राइवेट। यहाँ से कितना दूर पड़ता है? 3 किलोमीटर। एएनएम को लेकर क्या समस्या आपके यहाँ? हमारे यहाँ एएनएम 6-7 महीने से नहीं है। तो उससे क्या क्या दिक्कत होती है? टीका, बच्चों को टीका कड़ा नहीं हो पाता है, गर्भवती महिला को जांच नहीं हो पाता है। तो फिर समुदाय के लोग जो गर्भवती या धात्री माताएं हैं या बच्चे हैं उनको फिर कैसे टीकाकरण हो पाता है? बहुत बच्चों को नहीं हो पाता है, बहुत बच्चों को हो जाता है दूर रह जाने के बाद। आपके यहाँ एएनएम की नियुक्ति है या नहीं? एएनएम की नियुक्ति थी लेकिन लगभग 6-7 महीना पहले वो एक्सपायर हो चुकी हैं। इस संबंध में हमने संबंधित अधिकारियों से बात किया लेकिन कोई भी ठोस कदम उन लोगों ने उठाया नहीं। उन्होंने बार बार आश्वासन दिया कि हम हफ्ते 10 दिन में यहाँ एएनएम की नियुक्ति करवा देंगे या दूसरे केंद्र से वहाँ पर ट्रांसफर करवा देंगे, लेकिन केवल आश्वासन ही रहा और उसमें कोई सार्थक रूप नहीं आया उसमें। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इस एएनएम सेंटर में एएनएम की नियुक्ति की जाए। आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से हमारा अपील है कि आप लोग सिद्धार्थ नगर जनपद के सीएमओ का मोबाइल नंबर है 94-15-72-73-25 पर कॉल कर दबाव बनाए ताकि इस एएनएम सेंटर में एएनएम की नियुक्ति की जाए। मैं ब्रह्मजीत, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।